प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, फिर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। मटर पनीर बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर 250 ग्राम, 3 प्याज कटे हुए स्लाइसेस में, 2 टमाटर कटे हुए, ऑयल, 1 हरी मिर्ची, लहसुन की कलियाँ, 1 अदरक का टुकड़ा और खड़ा गरम मसाला, 1 कटोरी हरे मटर, धनिया, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अमचूर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें हमारी लहसुन की कलियां डालेंगे, 1 अदरक का टुकड़ा डालेंगे और हमारे कटे हुए प्याज डालेंगे और इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसमें हरी मिर्ची डालेंगे कटी हुई। इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक हमें पकाना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद अब हमने इसमें टमाटर डाला है और टमाटर डाल के हम इसे पकाएंगे। हमें इसे अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो हमारे टमाटर हैं वो पकने शुरू हो रहे हैं। हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। हमें इस मसाले को ठंडा करके फिर ब्लेंडर में इसकी प्यूरी बनानी है। अब हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। हमारी प्यूरी बनके रेडी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। इसके अंदर सभी खड़े गरम मसाले डालने हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा और लौंग। इसके अंदर हम मटर और हमारी जो प्यूरी थी वो डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने तीखा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर और अमचूर 1/4 चम्मच। अमचूर एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। हमें इसे ढक के पकाना है। अब हम साइड में हमारे जो पनीर है उसको कट कर लेते हैं। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जिस शेप में आप इसे कट करना चाहते हैं। मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट किया है। हमारे पनीर कट के रेडी हैं। बीच बीच में हमारी प्यूरी को आप चेक करते रहें। प्यूरी रेडी है ऑलमोस्ट। अब हम इसे 5 मिनट हम इसे कवर करके पकाएंगे। उसके बाद हम इसे 5 मिनट ढक्कन हटा के पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 1 चम्मच क्रीम या मलाई जो भी आप डालना चाहें। ये मैंने डाली है, आपके लिए ऑप्शनल है। इसमें हम कटा हुआ हमारा पनीर डालेंगे और आप देख सकते हैं साइड में मैंने इसमें गरम पानी चढ़ाया है गरम करने के लिए। हम इसमें करीब 1/2 कप पानी डालेंगे गरम, जिससे ये हमारी थोड़ी जो ये बहुत ज़्यादा ये थिक हो रही है इसकी थिकनेस कम हो जाए। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिए और अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 1/2 कप पानी डाला है इसमें। इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो मटर पनीर है वो बनके रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा मटर पनीर जो है वो बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स जो है
अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग.